भी जब समझाते हैं तो डांट डपट के, हमारे उस्ताद कारी भी जब समझाते हैं तो माशाल्लाह डंडे मार मार के, डंडे में भी तेल लाया होता है, चंगी तरह टिक के पवे। मैंने तालिब साहब जो हमारे सुपरिटेंडेंट थे सेंट्रल मॉडल स्कूल में, सबसे ज़्यादा मैंने उनकी मार खाई। वो ऐसे टका के मारते थे ना, एक हाथ यहाँ रखते थे और इतना बड़ा होता था सेफ जिसमें वो सोटी पड़ी होती थी। और खालिद मेला मेरा जिगरी यार, 55 साल से मेरी उसकी, उसके जिम्मे होता था डंडा निकाल के लाना, तो डंडा लाने वाला मेरा यार था। वो ऐसे अंदर उतर जाता था वो डंडा, और हमारी हाय हाय होती थी। लेकिन वो एकदम फिल्म देख कर आए मैं और जावेद नज़ीर मरहूम फौत हो गए, तो वो थोड़ा आगे था, वो भागा भागा जाके बिस्तर पे लेट गया उल्टा होके, तो मैं तो सुता पे, मैं थोड़ा पीछे था तो मैं बरामदे में ही पकड़ा गया, मुझे जुम मारा जुम मारा। अभी बयान करके मुझे ज़र्ब याद आ रहे हैं। जावेद नज़ीर बड़ा खुश के तारिक जमीन उड़ीतर पे गए, मेरा तो उन्हें पता ही नहीं लगो, और एम करके सुता पे ना कि आराम ना लो तू रिजाई लाइक सॉरी दिया ठोक। ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका, पता नहीं कहाँ से आ गया। दीनी मदरसों का भी यही हाल है, और ये स्कूलों का भी यही हाल है, और माँ बाप का भी यही हाल है कि माँ बाप अपनी बात उतारना चाहते हैं डंडे के साथ, शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ। कई दफ़ा मेरे पास मासूम बच्चियाँ बच्चे जी, वो मेरे नंबर, मेरा पर्चा अच्छा नहीं हुआ, अब मेरे नंबर थोड़े आएंगे, मेरे माँ बाप मुझे बहुत डांटेंगे, मैं क्या करूँ। मैंने कहा पुत्र मैं क्या करूँ, कोई दम जरूर पड़ा कुछ तावीज़ दे। माँ वो नादान माँ बाप हैं जो बच्चों को कम नंबर आने पर डांटते हैं। इन वालदेन ने अपनी सबसे कीमती दौलत बर्बाद कर दी, ए पर, बी पर, सी पर, इसको तालीम थोड़े कहते। तालीम तो समझ का नाम है, रट्टा लगा के पढ़ लेने का नाम तो तालीम नहीं है। हमारा दोस्त था अनपढ़, और वो बहुत बड़ा कारोबारी, समझ का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं, तो उसने कपड़े के शर्ट्स की दुकान खोली, तो उसकी बीवी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा देखो 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड एंड 3 शर्ट्स फॉर 2 पाउंड, ये तू याद कर ले, जड़ा गा कब तेन ये आखना ठीक है। अब एक औरत आई, वो रास्ता भूल गई थी, वो उसके स्टोर में आ गई, उसे उसने रास्ता पूछा कि एजेक्स का रास्ता किधर है, उनका 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड एंड 3 शर्ट फॉर 2 पाउंड। उसको हैरान होकर देखने लगी, उसने फिर अपनी बात हराई, ऊपर कहने का 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड 3 शर्ट फॉर 2 पाउंड। वो हंसती हंसती बाहर गई, एक बदरू लेके आई, उसने उसको बताया, तो उसने कहा ये तुमसे शर्ट नहीं खरीद रही, ये भूल गई है तुमसे रास्ता पूछ रही है, और तुम उसे 1 शर्ट फॉर 1 पाउंड बता रहे हो, तो ये कह रही है कि इसे कहो मेरे घर आ जाया करे, मैं इसे मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ा दूंगी। तो हमारे जो आजकल के वालदैन हैं ना, वो ऐसी तालीम के पीछे डंडे उठा के खड़े हुए हैं कि बस तेरा इतने ए आने चाहिए, ए आने, अच्छे इंसान बने, रिस्क यहाँ लिखा, डिग्रियों पे नहीं लिखा हो। हमारे वालदैन ने बच्चों को मरीज बना दिया, उन्होंने डिप्रेशन में का शिकार कर दिया, प्रेशर डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल। हमारे वालदा ने पढ़ाया सही पर प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि हम तो हॉस्टल में रहते थे। एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, माशाल्लाह मेरे 1000 में से 90 नंबर आए। मुझे कोई परवाही नहीं थी, वो था कॉलेज का इम्तिहान, ऊपर बोर्ड का नहीं था, कॉलेज का इम्तिहान था, तो वो भी एक बड़ी इज्जत होता है। मैं बड़े फख्र से बताता, कोई है जिंदे 1000 चो 90 आए हो, मेरे आए। तो हिदायत होता है किसी को प्यार मोहब्बत से समझा के अंजाम बताना।
हमारे बच्चे तो जबा हो गए स्कूलों पर और पढ़ाइयों पर और ट्यूटर और ट्यूशन सेंटर, उन बेचारों के जो पनपने की उम्र थी, बढ़ोतरी की और अकल की ग्रोथ की उम्र थी, वो सारी बर्बाद हो जाती। तो जो ही असर निकालते हैं नाफरमान होते, चूँकि उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 3 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, वो जलना शुरू हो जाते हैं, इसी में पीछे से करंट ज़्यादा आ जाए तो ये फट जाएंगे, टूट जाएंगे। जब 3-4 साल के बच्चे पर किताबों का बोझ लादा जाता है, फिर माँ बाप का प्रेशर होता है, तो उनके न्यूरॉन कहते हैं दिमागी सेल, वो जल जाते हैं, फट जाते हैं। फिर जो बड़े होते हैं ना माँ बाप की समझते हैं ना किसी और की समझते, वो अपनी करते हैं, अपनी मौज में होते हैं। हिदायत मोहब्बत से, प्यार से किसी को बता देना, आगे वो ले ले तो ठीक है, ना ले तो मेरा जिम्मा खत्म हो गया। ये कुरान चूंकि अरबों पे उतरा है, उनकी जुबान में उतरा है, उनकी मुआशरत को सामने रख के उतरा है, तो उनके अंदर में उतर गई बात। हुदा समंदर में पहाड़ की उस चोटी को कहते हैं जो पानी से बाहर निकली हुई हो और चमकदार हो, सूरज की शुआएं पड़ने से चमकती हो। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं, मशीन नहीं, बागबान कश्ती हैं, रात को सफर करते थे तारों को देखकर, तारों की मदद से समत तय करते थे, मशरिक है मगरिब है। सहरा में अब भी आबादी है सऊदी के, कतर के, तो मैंने एक बद्दू से पूछा जो सहरा में रहता कि तुम लोग तो रेत ही रेत, रास्ता कैसे पहचानते? वैसे चलते हैं जैसे लिखा होता है लाहौर 90 किलोमीटर, उस तरह चलते हैं रेत। तो कहा हम सितारों का इल्म जानते हैं, हम सितारों को देख के चलते, पर दिन में वो इतना हमारे अंदर होता है कि हम उसके मुताबिक चलते रहते, रात को चलते थे सितारों को देख कर और दिन में चलते थे इन रोशन चोटियों को देख कर कि ये जगह जगह थी और उन्होंने उनको मुतय्यन किया था, यहाँ से जद्दे मुड़ता है मुड़ना है, यहाँ से यम्बू मुड़ना है, यहाँ से अदम मुड़ना है, यहाँ से अकबा मुड़ना है। तो वो उन निशानियों को अगर खो देते थे तो भटक जाते थे, और उस ज़माने में कोई मुवासलात नहीं थे कि भाई हम भटक गए, हमारी मदद को पहुँचो, फैसल था, फिर वो कश्तियाँ बर्बाद हो जाती थी। तो हुदा ये ज़िंदगी के समंदर में वो रोशन चट्टान है जो इंसानी कश्तियों को रास्ता दिखाती है कि ये रोशन चट्टान है और ये ज़िंदगी का समंदर है और ये तारिक जमील एक कश्ती है और इससे रास्ते की तलाश है। तो अल्लाह कहता है उस चट्टान को सामने रख, यहाँ से तेरा रास्ता दुनिया की इज्जतों को भी जाता है और आगे जन्नत को भी जाता है। वो क्या है? ये है वो किताब हुदन लिल्मुत्तकीन। सूरह फातिहा में हमने कहा या अल्लाह हमें वो चट्टान दिखा, ये अरबों के मुआशरत के लिहाज से तर्जमा कर रहा हूँ, हिदायत है सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमाना प्यार के साथ नरमी के साथ। ओए नमाज पढ़, ये भी हिदायत का रास्ता, मेरे भाई आप नमाज अदा फरमा लें। तो ये हिदायत, पहली हिदायत नहीं, पहला सोटा है, दूसरी हिदायत का रास्ता दिखाना है प्यार मोहब्बत से। तो वो रोशन चट्टान जो इंसानों को रास्ता दिखाती है पानी के समंदर में और मंजिल का पता बताती है, जिंदगी के समंदर में इंसानी कश्तियों के लिए कुरान वो चट्टान है जो उन्हें जिंदगी का पता बताता है, आखिरत का पता बताता है और सही मंजिल तक पहुंचा देता है। जब अल्लाह ने हमने अल्लाह से दुआ मांगी या अल्लाह में हिदायत दे, तो अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल करके फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। लो भाई तुमने मुझसे हिदायत मांगी थी ना, तो लो ये किताब आ गई, ये हिदायत का जरिया है, ये हिदायत का सामान और सबब है। और ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फी में ऐसा दावा है जो कायनात में ना कोई कर सकता है, ना करेगा, ना किसी के बस में है सिवाय अल्लाह। जो कुछ इसमें लिखा है इसमें कोई शक नहीं। शक खुद अरबी जुबान का लफ्ज, रैब का तर्जमा शक नहीं है। शक किसे कहते हैं?
एक आदमी वहाँ वो मिल्लत रोड पे खड़ा है, उसको पता ही नहीं कि मदरसा हसनैन किधर है। तो कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी कहता है ये रास्ता जाता है, कभी कहता है ये गली जाती है। इस कैफियत को शक कहते हैं। इसमें ये कैफियत शदीद है। दूसरा लफ्ज है मिरिया, वो भी दिमागी शक वाली कैफियत होती है, लेकिन शक से ज़रा हल्की होती है, कि वो उसको थोड़ा गुमान हो जाता है कि ये जो डबल रोड जा रहा है ना, ये जा रहा है मदरसा हसनैन को, और हो सकता है ये भी हो, लेकिन मुझे लगता है ये है। इस तरह हो गया, एक तरफ ख्याल वाज ज़्यादा हो गया। ठीक, इसको कहते हैं मिरिया। रैब किसे कहते हैं? कि वो यहाँ ग्रीन टाउन चौक पर आता है और एक सेकंड के लिए कहता है मदरसा हसनैन किधर है। अब ये किधर है भी पूरा नहीं हुआ कि उसकी नज़र पड़ जाती है हमारे बोर्ड पर, मदरसा हसनैन वो किधर, वो ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा टाइम है। एक लम्हे के तरद्दुद को अरबी में रैब कहते हैं। एक लम्हे की इब्तिदा में थोड़ा तरद्दुद और उसी लम्हे के आखिर में वो तरद्दुद ख़त्म हो गया, उसे अरबी में रैब कहते हैं। तो वो शहनशाह कह रहा है, वो मेरे बेवकूफ़ बंदो, वो मेरे प्यारे बंदो, अल्लाह ताला लाड से पुकारता है, कभी डांट के पुकारता है, वो मेरे बंदो मेरी किताब में तो रैब भी नहीं है कि एक खटक टक टक भी ज्यादा, इतनी देर का भी खटका नहीं है, तो मेरी आशा किस में कहाँ आएगा जो इतनी ताकतवर किताब हो। तुम उसे छोड़ के लोगों के पीछे भाग रहे हो, कितने बेवकूफ।